इंडिया गठबंधन ने फैसला किया था कि उसके सभी सदस्य दल नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो एनडीए में आना चाहती हैं, चूँकि मना करने के बावजूद भी वो नीति आयोग की बैठक में चली गई थी। सर अधीर रंजन, मुझे झूठ लग रहा है क्योंकि ये आश्चर्यजनक है कि किसी राज्य के सीएम को बोलने की अनुमति नहीं दी जाए, ऐसा होता नहीं है, ममता बनर्जी झूठ बोल रही। अधीर रंजन चौधरी जी ममता जी को मुझसे ज़्यादा जानते हैं और मैं उनकी बात पर विश्वास करता हूँ। दूसरा सर, अधीर रंजन चौधरी ने आगे ये कहा दिया जाता है, कांग्रेस के वर्कर्स को पेड़ों से बांध कर पीटा जाता है और वो स्क्रिप्ट तैयार करके नीति आयोग की बैठक में आई थी। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की जो पॉलिटिक्स है उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहती, राष्ट्रीय स्तर पर उसी तरह की भाषा उसी तरह की संस्कृति को वो बड़ी बड़ी बैठकों का हिस्सा बनाना चाहती। लेकिन सर आपने एक रास्ता सुझाया है, मना करने के बावजूद पहुंची, तो अगर वो एनडीए में आना चाहती हैं तो आप क्या वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करने के लिए? नहीं, ये तो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उन्होंने आज की बैठक में आकर के इंडिया गठबंधन से अपना नाता जरूर तोड़ लिया है। सर पांच की बैठक एक तरीके से खाका तैयार होता है कि कैसे कामकाज किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, ये महत्वाकांक्षा हर भारतीयों की है, ऐसे में मुख्यमंत्री की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। देखिए, राज्यों के और केंद्रों के बीच में जो वित्तीय अनुशासन है या वित्तीय सहयोग है या वित्तीय बंटवारा है या वित्तीय नियोजन है, उसको लेकर के पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठकें हुआ करती थी, फिर प्लानिंग कमीशन की बैठकें हुई। अब वो इफेक्टिव नहीं है या अस्तित्व में नहीं है, तो नीति आयोग उस कार्य को करता है और इसमें मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को लेकर के हिस्सेदारी करते हैं। इसको बायकॉट करने का मतलब है अपने राज्य के आर्थिक हितों की उपेक्षा करना। बहुत अच्छा होता कि सब आते और सरकार पर अपने अपने राज्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का आग्रह करते।